क्योरा और आपका स्वागत है। चाहे आप न्यूजीलैंड में नए हैं या यहाँ कुछ समय से रह रहे हैं, ये वीडियो आपको न्यूजीलैंड स्वास्थ्य और विकलांगता प्रणाली और उनमें उपलब्ध सेवाओं को समझने में मदद करेगा। अगर आप गंभीर अस्वस्थ हैं तो कहाँ जाएं? अगर आप एक दुर्घटना का शिकार हुए हो तो अपने निकटतम दुर्घटना और मेडिकल क्लिनिक, जिसे अक्सर ANM भी कहते हैं, या नज़दीकी तत्काल देखभाल क्लिनिक यानी अर्जेंट केयर क्लिनिक या इमरजेंसी डिपार्टमेंट ED में इलाज के लिए जाएं। न्यूजीलैंड में हम एक आपात स्थिति के रूप में इन निम्नलिखित लक्षणों को देखते हैं। इमरजेंसी विभाग में आप गंभीर घाव, टूटी हड्डियों का इलाज, इसका इलाज आप एक अर्जेंट केयर क्लिनिक यानी तत्काल देखभाल क्लिनिक में भी कर सकते हैं, और आकस्मिक विषाक्तता यानी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग या दवाओं का ओवरडोज और अन्य चोटें का इलाज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये एक इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए 111 यानी 111 डायल करें। याद रखें, यह नंबर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हैं। न्यूजीलैंड में एम्बुलेंस सेवा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस द्वारा प्रदान की जाती है। ये एक चैरिटेबल संगठन है जो किसी भी अस्पताल या सरकारी विभाग से संबंधित नहीं है। आपको एम्बुलेंस की फीस का कुछ भाग देना पड़ सकता है। अस्पताल के आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे खुले रहती हैं। अगर ये एक आपातकालीन स्थिति है, आप एक पारिवारिक डॉक्टर के रेफरल के बिना आपातकालीन विभाग जा सकते हैं। ज़रूरी और कम गंभीर स्थिति के लिए कहाँ जाएं? अगर आप बीमार हैं लेकिन ये तत्कालीन या इतनी गंभीर स्थिति नहीं है तो अपने नियमित पारिवारिक डॉक्टर के पास पहले जाएं। जब आपका मेडिकल सेंटर बंद हो और आपके पारिवारिक डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो, जैसे कि सप्ताह के अंत में बंद होने पर या काम के बाद रात को या सुबह, तब आप निजी तत्काल देखभाल क्लिनिक यानी अर्जेंट केयर क्लिनिक जाएं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए ज़्यादा फीस चार्ज की जा सकती है, पर यह उसके लायक है अगर ये इमरजेंसी स्थिति नहीं है। अगर वे आपके इलाज नहीं कर सकते तो वो आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट भेज देंगे। आपके निकटतम तत्काल देखभाल क्लिनिक का पता होना एक अच्छी बात है। अगर आप अपने नियमित मेडिकल सेंटर को फ़ोन करते हैं, वे फ़ोन पर आपको बता सकते हैं कि वो खुले हैं या नहीं। अगर वे बंद हैं तो आपको टेलीफोन ट्रियाज सेवा के माध्यम पर रखा जाएगा। इसका मतलब है कि आप एक नर्स से अपनी स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आप अपने नज़दीकी ANM क्लिनिक कहाँ हैं और वे कब खुले रहते हैं। अगर आप अभी भी अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में अनिश्चित हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन एक सरकारी मुफ्त टेलीफोन सलाह सेवा है। पंजीकृत नर्स आपके साथ बात कर सकते हैं अगर आप बीमार महसूस कर रहे हो लेकिन पक्का नहीं हो कि क्या आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं। एक परिवार के सदस्य या दोस्त जो बीमार हो, उनके बारे में कुछ ज़रूरी सलाह की ज़रूरत हो। अगर आपको भाषा संबंधित समर्थन की ज़रूरत हो तो वो भी एक दुभाषी की व्यवस्था कर सकते हैं। याद रखें, ये नंबर आप अपने मोबाइल से भी डायल कर सकते हैं। ये सेवा मुफ्त है, गोपनीय है और 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हैं। तो अब आप इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। ये संदेश याद रखें। आपके पारिवारिक डॉक्टर यानी GP चिकित्सा उपचार का पहला संपर्क स्थल है। आपके लिए जो सही हो उस डॉक्टर को खोजें और जहां साहस महसूस करें उस मेडिकल सेंटर के साथ नामांकन करें। अपने स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से करें। जाने कहां जाना चाहिए अगर आप बीमार हैं या कोई इमरजेंसी है, पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर यानी GP के पास या निजी ANM या तत्काल देखभाल क्लिनिक, जिसे अर्जेंट केयर क्लिनिक भी कहते हैं,
या सार्वजनिक अस्पताल, आपातकालीन विभाग यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक आपात स्थिति के लिए। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें यदि आप चिंतित हैं, अनिश्चित हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं। याद रखें, ये नंबर आप अपने मोबाइल से भी डायल कर सकते हैं और ये सुविधा मुफ्त है और 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। अपने निकटतम पारिवारिक डॉक्टर यानी GP, फार्मेसी या तत्काल देखभाल क्लिनिक ढूंढने के लिए हेल्थ पॉइंट वेबसाइट जाएं। तैयारी के साथ जाने से हमेशा फ़ायदा होता है, तो अपनी विजिट को प्लान करें ताकि स्वास्थ्य पेशेवर के साथ आपकी मुलाकात का पूरा फायदा हो। अंत में, अगर आपको भाषा संबंधी समर्थन की ज़रूरत है तो एक दुभाषी का उपयोग करने ना भूलें। मुझे आशा है कि मैंने जो जानकारी न्यूजीलैंड स्वास्थ्य और विकलांगता प्रणाली के बारे में साझा की है वो आपके लिए सहायक होगी। धन्यवाद। अब आपकी बारी है, जो आपने सीखा है उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करें ताकि हम सब अच्छा जिएं, अच्छा रहें और अच्छा पाएं।